नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। यदि आप काले कोर्स कर रहे हैं डिग्री या डिप्लोमा, तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो पुस्तकालय जो सूचीकरण पेपर होता है उसकी हम तैयारी कैसे करें। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें जो पुस्तकालय वर्गीकरण के बारे में बताया उसकी तैयारी कैसे कहाँ से करें, क्या काम है पढ़ना है। सूचीकरण में सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना कि आपके सिलेबस में क्या चीज़ें हैं। तो सूचीकरण में दो पद्धतियाँ चलती है, एक ट्रिपल सी यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड कहते हैं, दूसरी ए सी आर यानी एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। ये अब जब आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपके जो सिलेबस में एक ही पद्धति है, वो है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड यानी ट्रिपल सी है। तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ट्रिपल सी के कार्ड की जो संरचना है, कैसा कार्ड आता है, इसके वीडियो मैंने बना दिए और यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले उस कार्ड की का जो प्रारूप है वो आपको उसमें समझना है। उसके बाद कार्ड को समझने के बाद आपको जो एंट्रियाँ सीखनी है, अब जैसे पेपर में आपको बता देता हूँ, जो डीलिस का जो पेपर आया, ये जैसे ये कार्ड है जो इस तरह का, या जो सवाल आता है इसमें, जैसे ये सिंगल ऑथर का है, कहीं किसी में डबल ऑथर यानी दो लेखक होते हैं, किसी में तीन होते हैं, किसी में एडिटर होता है, किसी में दो एडिटर होते हैं, किसी में सीरीज होती है। तो इस तरीके का ये जब सवाल आता है तो उसमें एकल लेखक यानी सिंगल ऑथर, दो लेखक यानी डबल ऑथर, दो लेखक वाले और दो या दो से अधिक लेखक वाले, और उसके बाद जो सहकारक, सहकारक का मतलब इसको किताब के लेखन में सहयोग करने वाले, जैसे कोई एडिटर हो सकता है, ट्रांसलेटर हो सकता है, इलस्ट्रेटर यानी चित्रकार हो सकता है, या व्याख्याकार हो सकता है। इस तरह से काफ़ी सारे जो सहकारक होते हैं उनकी एंट्रियाँ कैसे करना वो सीखनी। एक कृत्रिम नामदार यानी सूडोनेम एंट्री जिसे कहते हैं, वो आपको, जैसे मान लो प्रेमचंद जी है, उनका जो वास्तविक नाम जैसे अलग है और साहित्य में अलग है, ऐसे भी लेखक होते हैं। और उसके बाद ये जो गवर्नमेंट पब्लिकेशन होते हैं जिसको समष्टि लेखक या कॉरपोरेट ऑथर कहते हैं, उनकी एंट्रियां कैसे करनी, ये सारे आपकी जो पाठ्यक्रम की किताब में उसमें दिए हुए हैं। और ये जो मेन संस्थान होते हैं और उसके अधीन संस्थान होते हैं, जैसे कुछ जो सम्मेलन होते हैं, जैसे प्रोसीडिंग होती है, रिपोर्ट्स होती है, उनकी एंट्रियाँ, और लास्ट में आख्या अंतर्गत शीर्षक जैसे डिक्शनरी की वगैरह की एंट्रियाँ वैसे होती है उनकी एंट्रियाँ। ये आपको, ये आपके जो सिलेबस में ये चीज़ें, ये आपको क्रमानुसार सीखनी है। ये किताब में सबसे पहले ये चीज़ें दी हुई है और उसके बाद इनका अभ्यास वगैरह प्रश्न दिए हुए समझाए हुए हैं। ये चीज़ें आपको, जैसे ये कार्ड का जो ऐसा प्रारूप होता है, कौन सी चीज़ कहाँ पर ये लिखनी, ये हो गई आपके जो डिप्लोमा वाले जो कोर्स है उनकी बातें। बाकी जो बैचलर डिग्री जो कर रहे हैं उनके भी यही सेम, जो ACR2 होता है उनको ये ट्रिपल सी तो पढ़नी ही पढ़नी है। अब आपकी जो बैचलर जो डिग्री कर रहे हैं, जो बीलिस कर रहे हैं, उनके में दो दो किताबें हैं। ये जो वन नंबर है, जो इसमें भी ये चार जो आपके ये फर्स्ट पास फर्स्ट में आपके कौन सी पद्धति है वो आप देख सकते हैं, ACR2 है। और सेकंड में जो ट्रिपल सी है जो डिप्लोमा में, वही सेम टू सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है। कुछ चीज़ें जोड़ दी गई, जैसे मैगजीन वगैरह आती है वो डिप्लोमा में नहीं है, आपके जो डिग्री में बैचलर डिग्री में, ये ट्रिपल सी वाली वही सेम चीज़ें हैं जो हमने इसमें देखी है, वो सेम टू सेम चीज़ें हैं, आपको पढ़नी है आपकी वो सेम किताब में दी। हालांकि सवाल थोड़े ज़्यादा है, बाकी वही सिलेबस सेम है, ये सिंगल ऑथर, डबल ऑथर, ट्रिपल ऑथर, सारी ACR2 में भी ट्रिपल सी दोनों में है। अब इसमें आप सिलेबस एक बार देख लेते, ACR2 में आपको क्या क्या है अब देख सकते हैं आप। अब ये सिंगल ऑथर, ये संयुक्त ऑथर, डबल ऑथर है, एडिटर है, सारे इसमें आगे सूडोनेम एंट्री यानी कृत्रिमधारी है और अलग अलग नामों से है। ये अब जो ग्रंथमाला और ये जो वॉल्यूम्स होती है वो है। उसके बाद ये शासन वाली गवर्नमेंट पब्लिकेशन होते हैं, और ये जो प्रोसीडिंग कहें या बैठक कार्रवाइयाँ वो है, और उसके बाद जो जनरल वगैरह वो होती है, जो मैगजीन्स वगैरह उनकी, ये आपके सिलेबस में है और इनके पीछे चीज़ें दी हुई है। अब इनको लेकर काफ़ी यूट्यूब पे आपको वीडियो बन जाए मिल जाएंगे, मेरे चैनल पे भी है और अन्य चैनल पे भी है। आपको ये चीज़ें आपको पढ़ना है, इनका आपको पढ़ना, पढ़ने का मतलब सिर्फ टक टक लेकर अगर पढ़ना नहीं, उनका अभ्यास भी करना है। अब ये पेपर आप देख लें कैसा पेपर आता है आपके बिलिस कोर्स में। अब इसमें आपको नियम दे रखे हैं कि खंड अ में
ट्रिपल सी से कोई दो सवाल करने हैं, खंड ब में एशिया टू से कोई दो सवाल करने हैं और खंड स में एक ही आपको सवाल करना है, या ट्रिपल सी से या एशिया टू से। तो आप एशिया टू से ही करें क्योंकि एशिया टू में एंट्रियां कम होती है, आपका समय बच जाता है, तो एशिया टू से आप करें। अभी सेक्शन ए में आपको कोई दो सवाल ट्रिपल सी से ही करने। अब जैसे इसमें तीन सवाल दिए होंगे, कोई दो करने, तब ये इसमें सिंगल ऑथर है एक। अब ये बिल्कुल ही छोटा सवाल है, आप एशिया ट्रिपल सी में आप जल्दी कर लेंगे क्योंकि इसमें एक ही लेखक है। बाकी अगर वर्गांक की ओर देखें तो इसमें क्लास इंडेक्स एंट्री होती है, क्लास इंडेक्स एंट्रियाँ जैसे एक ये लिटरेचर की, 11 इंग्लिश लिटरेचर की, 3 फिक्शन की, एम ये 4, 4, 5, 5 तो इनकी हो जाएगी, 6 नंबर सीरीज की, 7 नंबर आपके लेखक की, 7 और 2 लगभग 9 एंट्रियाँ, लगभग 9 कार्ड यूज हो जाए, तो काफ़ी लंबी है। इससे अगर अगले में कम एंट्रियाँ बनती है तो आप भी इसमें, ये गवर्नमेंट पब्लिकेशन का है, इसमें ये जो कंट्रीब्यूशन वाला होता है वो चीज़ में दी हुई है, तो इसमें भी एक एंट्री ज़्यादा हो जाती है। तो ये प्रोसीडिंग वाला सवाल जो ट्रिपल सी में बहुत अच्छा रहता है गवर्नमेंट पब्लिकेशन के जो भी है, तो क्योंकि इसमें एंट्रियाँ कम होती है तो इसमें आप पहला और ये जो तीसरा सवाल है ये दुआ कर सकते हैं, बीच वाला भी छोड़ सकते हैं। ये काफ़ी सारे सवाल मैंने पूरे हल करके मैंने चैनल पर डाल दिए। और बी सेक्शन है, इसमें भी आप देख सकते हैं जो एशिया टू है इसमें ये सिंगल ऑथर है, एक एडिटर जो ट्रांसलेटर है, बाकी कॉल नंबर भी छोटा है। दूसरा ये भी गवर्नमेंट पब्लिकेशन का है, और तीसरा ये हायर एजुकेशन, ये 3 वॉल्यूम है लेकिन वॉल्यूम का नाम दिया नहीं दिया, ये पीछे दिए हुए। ये वॉल्यूम वाला सवाल भी ये भी अच्छा है, तो उसमें ये 4 नंबर और ये 6 नंबर आप कर सकते हो, मतलब आप जिनका आपको अच्छा अभ्यास वही सवाल करें। अब ये जो सवाल आपको जरूर करना है, ये सवाल आता है और ये एशिया टू से लगभग काफ़ी सारे सवाल आपकी परीक्षा से पहले में, लगभग जितने भी किताबों में कहीं से भी मिले सारे मैं आपको हल करवा दूंगा, और इसका आप पैटर्न समझ गए तो कोई भी सवाल आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत आपको रहेगी नहीं। ये सवाल सबसे, इसमें एंट्रियाँ भी लगभग 4 या 5 ही कार्ड बनते हैं, किसी में 3 भी बन जाते हैं, तो सवाल उनके नंबर होते रहते हैं, लेकिन ऊपर वाले आप देखेंगे उसमें थोड़ा एंट्रियाँ ज़्यादा होती है। तो इस तरीके का ये आपके ये पेपर आता है। तो मेन चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में क्या है, क्या पढ़ें, तो पहले सिलेबस को आप कवर कर लें, फिर आप जो पुराने वर्षों के जो पेपर है उनको आप हल करें। एक बार एक साल के जो 8-10 पेपर जब हल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस प्रकार के सवाल परीक्षाओं में आते हैं, और बहुत सारे जो प्रश्न हैं रिपीट होते हैं। आप क्वेश्चन बैंक में भी सवाल देख, काफ़ी सारे सवाल क्वेश्चन बैंक में हल करा दिए, पुराने जो वर्षों के पेपर वो भी मैंने हल करा दिए, बस आपको इनका अभ्यास करना है। बहुत सारे PDF भी मिल जाएंगे, लेकिन लोग क्या करते हैं उनको पढ़ते हैं, पढ़ना नहीं है, आपको हाथ से अभ्यास करना है। जितना आप अभ्यास करेंगे तो उसका आपका हाथ जम जाएगा, और क्योंकि परीक्षा में आपको लिखना है तो लिखने का आपको अभ्यास होना जरूरी है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें, जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।